एक बार वापस से वीवो आ गया अपनी ब्रांड न्यू वी सीरीज के साथ में, तगड़े तगड़े कैमरास को पैक किए हुए, और हमारे पास में आ गए हैं दो नए नए फोन्स, जहां पे सबसे पहले वीवो का V29, साथ में 29 प्रो भी है। आज आप इस वीडियो इतनी लाइक और शेयर करते हुए और हम पता लगाते हैं कि जो कैमराज हैं इन फोन्स में कितने ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने वाले, और कैसे अभी जो पूरा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, या अगर आपको कहीं पे लगानी है अपनी डीपी, मतलब आपके लिए अच्छे से आपको फोटोज क्लिक करके देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ना सबसे पहले हम करते हैं एक साथ ड्यूअल अनबॉक्सिंग। शायद आज से पहले मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब वो याद आ गया मेरे को वीरू सहस्त्रबुद्धि 3 इडियट्स वाला, कि समय का सही सदुपयोग। तो हम करते हैं एक साथ अनबॉक्सिंग दोनों फोन्स की, और यस इन सिंक। सबसे पहले हमारे पास में ऊपर फोन्स रखे हैं, वी हैव द 29 प्रो, ये एक नया स्पेशल हिमालयन थीम वाला कलर है, और फिर ये रेड कलर में आता है वीवो V29। नीचे अगर हम देखेंगे तो आई थिंक द कंटेंट शुड बी क्वाइट सिमिलर। ये केस फोन्स के लिए, ये कुछ लेबल्स वगैरह हैं, सम डॉक्यूमेंटेशन। फिर हमारे पास में है ये 80 वॉट चार्जिंग ब्रिक, साथ में है फिर हमारे पास में एक USB-A to USB-C केबल। फाइनली ये दिल जैसा दिखता है, जैसा वीवो पैक करता है इनका सिम ट्रे इजेक्टर टूल। अगर हम बात करते हैं इस फोन्स की, तो देखो मेरे पास में एक हाथ में आपको दिखाऊंगा तो ये है नया वीवो V29 प्रो, और इधर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास में अगेन नया वीवो V29। एक बार आप देखो ना थोड़ा ध्यान से, और फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या तगड़े फीचर्स को यूज किया है। और इनफैक्ट मैं प्रो हूं तो हम ज्यादा बातें प्रो वाले की करेंगे। देखा आपने इन्हीं चमचमाते हुए नए नए फोन्स को। हमारे पास में जो वीवो का V29 प्रो है, ये है एक ऑल न्यू हिमालयन ब्लू कलर में, और जो 29 है ये आता है इसी मेजेस्टिक रेड कलर के साथ में। इनफैक्ट अच्छी बात ये है कि दोनों जो फोन्स है ना, दे काइंड ऑफ फील लाइक वेरी क्लोजली रिलेटेड ब्रदर्स, मतलब एकदम ऐसे नजदीक के कजन लगते हैं, बिकॉज लुक एंड फील, द वे आपको हाथ में फोन्स फील होते हैं, डायमेंशंस, कंप्लीट कैमरा सेटअप का लेआउट, ये सब चीजें आपको एकदम सिमिलर मिलती दोनों फोन्स में। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो आपको दोनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न मिलता है, जहां पे काफी स्लिम फ्रेम है, बिकॉज फोन्स इनफैक्ट काफी स्लिम हैं और कर्व्ड स्क्रीन्स के साथ में आते हैं, विच इज वेरी प्रीमियम। हमारे पास में साइड में अगर आप देखोगे तो पावर लॉक ऑन बटन के ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर यहां पे आपको बताइए प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा है इन फोन्स में, मतलब ऑफकोर्स पोर्ट्रेट के लिए वीवो की वी सीरीज आपको पता है कितना अच्छा काम करती है। साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है, यहां पे आपको कंप्लीट क्लीन मिलता है लेफ्ट साइड, और नीचे फिर हमारे पास में सिम ट्रे भी है, साथ में माइक्रोफोन भी है, USB-C पोर्ट भी है, और स्पीकर ग्रिल भी है। पीछे से आप देखेंगे ना तो यहां पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिल रही है V29 प्रो में, और ये आपको थोड़ा सा ना वो बचपन में ड्राइंग कराओ कभी, तो आपको ऐसे वो पहाड़ों वाला डिजाइन मिल रहा है, बिकॉज दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज। तो ये है हिमालयन ब्लू कलर में ग्लॉसी फिनिश में आने वाला फोन, एंड यहां पे फिर आपको एक मैट फिनिश मिलता है, थोड़ा सा अगर आपको एक ऐसा मिनिमल सा लुक चाहिए, बट देन अगेन क्वाइट ब्राइट इन टर्म्स ऑफ फैशन, दिस इज द मेजेस्टिक रेड। कैमरा सेटअप्स आपको दिखने में सिमिलर लग रहे होंगे, बट देर आर स्लाइट चेंजेस। तो हम खैर सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, विच इज द वीवोज V29 प्रो। तो इंटरनल्स की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो यहाँ पे डेमेंसिटी 8200 प्रोसेसर है, दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं 8GB रैम या फिर 12GB रैम के साथ में, स्टोरेज इज 256GB, बैटरी कैपेसिटी 4600mAh, 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, स्क्रीन इज 6.78 इंचेस वाला, 120Hz वाला कर्व्ड स्क्रीन है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दिस फोन एवरीथिंग, वीडियोज देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ विदाउट अ डाउट। जो हाईलाइट है यहाँ पे, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कूल डिज़ाइन या अपार्ट फ्रॉम अंदर जो हार्डवेयर लगा है, इट इज़ ऑल अबाउट द कैमरा। एंड गाइज यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है, एक एक करके बात करते हैं। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स ऑटो फोकस,
यस आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी साथ में आता है तो आई मीन गिविंग यू ग्रेट रिजल्ट्स। पीछे हमारे पास में यहाँ पे जो कैमरा है ये एक ट्रिपल कैम सेटअप है। सबसे पहले हमारे पास में है 50 मेगापिक्सल्स वाला एक OIS के साथ आने वाला सोनी के IMX766 सेंसर वाला एक मेन कैमरा फॉर यू नो वाइड फोटोज। फिर हमारे पास में एक 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा है विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर पोर्ट्रेट्स एंड ये सेट है 50mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे तो आपको बहुत ही एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट्स। और फिर हमारे पास में है एक 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा। तो आई मीन मेरे ख्याल से एक यू नो जो काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है वो इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ। यहां पे आपको दिख रही है एक स्मार्ट ऑरा लाइट, मतलब इसका साइज भी बड़ा हो गया है और ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया इन टर्म्स ऑफ कैसे ये पूरी परफॉर्म करती है हम आगे देखेंगे। बट दिस कैमरा हार्डवेयर पेयर्ड विद यू नो ऑल दीज क्रेजी सॉफ्टवेयर फीचर्स जो वीवो की तरफ से है, कैमरा परफॉर्मेंस डेफिनेटली इस फोन की जो आप देख रहे हैं फिलहाल अपने सामने इट इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप फोटोज ले रहे हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे वेडिंग लट्स जो हैं वो अवेलेबल है टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल सीजन। इन फैक्ट मीनो अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, अगर लाइट्स यू नो कहीं पर एकदम बहुत ही हार्श ब्लू लाइट आती है, कहीं पर बहुत ही हार्श रेड लाइट आती है तो आपकी फोटोज बहुत ज़्यादा ना मतलब एकदम ऐसे अजीब सी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे विद अ स्मार्ट ऑरा लाइट ये बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है अपने कलर टेम्परेचर को और आपको जो फोटोज मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, क्लियरली विजिबल जो आप फिलहाल अपने सामने देख रहे हैं। तो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन लो लाइट वीडियो की अगर हम बात कर लेते हैं या सुपर मून मोड भी है, मतलब चांद की फोटो जो इस फोन ने क्लिक करी है, मतलब यू नो इट्स रियली गुड टू सी। तो ये सारी चीजें पुट टुगेदर मतलब दिस फोन इन टर्म्स ऑफ कैमरा देर इज नो डाउट जो आज से पहले हमने देखा है इनफैक्ट वीवो की वी सीरीज में वो एक बार वापस से हमको इस फोन में मिल रही है विच इज ग्रेट परफॉर्मेंस यू नो इन टर्म्स ऑफ सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा, 4K वीडियोज आप रिकॉर्ड कर रहे हो या यू नो एवरीथिंग पुट टुगेदर कैमरा परफॉर्मेंस वीवो V29 प्रो फोन की इट्स क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोन की ना, that in hand feel is really kind of you know very premium glass back है of course तो हाँ ये कर लेते हैं कभी कभी ऐसे ही तो मतलब फ़ोन ठीक रहेगा। और इनफैक्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया है, 3D स्क्रीन है तो मतलब वो सब चीज़ों के हिसाब से वीडियोस देखना हो, फ़ोन को यूज़ करना हो, एंड्रॉयड 13 में फिलहाल चलता है और वीवो का जो फंटच OS है जो अगर आप यू नो इसके साथ में यूज़ टू हो तो यू नो हाउ इट इज़, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस फ़ोन में विच इज़ द वीवोज V29 प्रो। अगर हम बात करते हैं अब अबाउट दिस जो 29 है तो क्वाइट सिमिलर बट कुछ कुछ चेंजेस हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G। यहाँ पे जो वेरिएंट्स हैं वो 8128 और 1256 दो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। यहाँ पे स्क्रीन एग्जैक्टली द सेम, बैटरी चार्जिंग सब कुछ सेम है। कैमरा में जो प्राइमरी कैमरा है इट इज़ 50 मेगापिक्सल्स ऑफ GN5 सेंसर, अगेन OIS के साथ में आता है। फिर हमारे पास में 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और फिर हमारे पास में 2 मेगापिक्सल्स का एक बोका कैमरा है। बाकी अगेन यहाँ पे हमारे पास में स्मार्ट ऑरा लाइट वगैरह यू नो एवरीथिंग इज हियर। सेल्फी के लिए अगेन वी हैव द सेम 50 मेगापिक्सल्स आई ऑटो फोकस वाला कैमरा। तो एवरीथिंग पुट टुगेदर मतलब वेरी क्लोजली रिलेटेड फोन्स, बट देन अगेन अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते तो फिर ये वाला फोन है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा और प्रो वाले फीचर्स तो ये है वीवो का V29 प्रो। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो एग्जैक्टली अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द नंबर्स, बट एक एस्टिमेट है कि जो वीवो का V29 है इसकी प्राइस अराउंड 30-31-32 हज़ार की रेंज में होने वाली है और ये जो है ये जाने वाला है अराउंड 38-39,000 रुपीज के आसपास। तो यस दैट्स अबाउट इट। वैसे आप बताओ कि आपको कैसा लगा यू नो इस फोन का कैमरा, एंड स्पेशली मैं थोड़ा सा कैमरा को और ट्राई करने वाला हूँ, आई एम गोना सी यू नो कि कुछ और अच्छे तरीके से हम कैसे फोटोज कैप्चर कर सकते हैं और वो आप देख सकते हैं जाके सीधा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके कर लीजिए। और या दैट्स अबाउट इट, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ पे हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और पता लगेंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नया हो रहा है। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।